देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई शहरों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले सामने आने लगे हैं। इस बीच आज से प्रदेश में 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है। पूरे छत्तीसगढ़ में आज से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में महासमुंद जिले के पिथौरा के शासकीय रंजीत कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता राजेंद्र पटेल के साथ। पूरे छत्तीसगढ़ में आज से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को जो है कोरोना वैक्सीनेशन का शुरू हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं महासमुंद जिले के पिथौरा के रंजीत कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिथौरा में, और यहां पर जो है वैक्सीनेशन का जो है कार्य जो है चल रहा है। यहां पर वैक्सीनेशन रूम में जाते हैं, यहां पर किस प्रकार की सुविधाएं हैं वो जानने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार जो है यहां पर वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। यहां पर जो है स्वास्थ्य अमला भी यहां पर मौजूद है, यहां पर बच्चे भी वैक्सीनेशन कर लगवा रहे हैं वो भी मौजूद है। सर्वप्रथम यहां पर जो है वैक्सीन लगा रहे डॉक्टरों से जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार सुविधाएं यहां पर की गई है। मैम, यहां पर जो है वैक्सीन को लेकर के किस प्रकार की सुविधाएं हैं, किस प्रकार जो है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया फॉलो किया जा रहा है ये बताएंगे। पहले सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है ऑनलाइन, उनके बाद एक एक करके उनको बुला के मेल के लिए मेल वैक्सीनेटर है और लड़कियों के लिए फीमेल वैक्सीनेटर है। उनके बाद उनको ऑब्जर्वेशन कक्षा में बिठा के आधा घंटा उनको ऑब्जर्वेशन करते जा रहे हैं। अभी तक कितने लोगों को जो है वैक्सीनेशन, यहाँ पर कितने बच्चों का जो वैक्सीनेशन हो चुका है ये बताएंगे। अभी 80 बच्चों का कर चुके हैं और किन्हीं भी बच्चों को किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं हुई और खुशी खुशी लगवा रहे हैं बच्चे। यहाँ पर बच्चे भी वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे जाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार जो है वो वैक्सीनेशन लगवाने के बाद जो है महसूस कर रहे हैं ये बताएंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप? जी अभी अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप जो है पहले वैक्सीनेशन के पहले कैसे महसूस कर रहे थे, अभी कैसा लग रहा है ये बताएं। वैक्सीनेशन के पहले थोड़ा डर लगता था कि कुछ, अब तो लगने के बाद कोई टेंशन नहीं। अपने दोस्तों को कोई मैसेज देना चाहेंगे किस प्रकार लग रहा है, कैसा उनको जो है वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए, क्या करना चाहिए? जी उनको इसमें हम लोग पहले डरते थे लेकिन अब इतना बोलना चाहूंगा कि उनमें कोई दिक्कत लगवाने की। इस वक्त हम मौजूद है महासमुंद जिले के पिथौरा के वैक्सीनेशन सेंटर में। यहाँ पर जो है डॉक्टर भी मौजूद हैं और वैक्सीनेशन लगा रहे बच्चे भी मौजूद हैं, काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं और सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए। कोरोना का तीसरा लहर जो आने वाला है, ओमिक्रॉन जो आने वाला है, वो उसको जो है बचने के लिए वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। कैमरा पर्सन संजय सिंझा के साथ मैं ताराचंद पटेल, साधना न्यूज महासमुंद।